नमस्कार, आप देख रहे जनवाद टाइम्स। इस समय मैं आगरा के सिदावली ग्राम पंचायत में हूं, जहां से प्रधान पद के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के चुनाव मैदान में हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। किस पद को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधान पद के लिए। किस ग्राम पंचायत से आप उम्मीदवार हैं? सिदावली ग्राम पंचायत से। अगर जनता आपको जिताती है, आपको प्रधान बनाती है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप गांव में कराना चाहेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि हमारे गांव में बरसों से बंद पड़ा अस्पताल, वो उसको चालू करवाएंगे, फिर डॉक्टरों की उसमें तैनाती करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और ऐसा कौन सा मुद्दा है जिनको आप प्राथमिकता देंगे? सबसे दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो शिक्षण व्यवस्था है वो नियमित रूप से सही नहीं चल रही। कभी टीचर आते हैं अध्यापक, और कभी नहीं आते हैं, कभी टाइम से जल्दी चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होगी कि हम शिक्षण कार्य सही तरीके से सुचारू रूप से चलवाएं। इसके अलावा और ऐसे कौन से कार्य हैं? और हमारे यहाँ जैसे रोशनी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा लाइट लगवाएंगे, और हमारे यहाँ पानी की निकासी और पीने के लिए पानी के लिए उसकी व्यवस्था हर घर तक नल हो, हमारी ये प्राथमिकता है। और ऐसे कौन से कार्य और कोई ऐसा जो आप? और गांव में ODF मुक्त कराएंगे, खुले में शौच व्यवस्था से मुक्त गांव होगा हमारा। और वृद्धों को लेकर के, विकलांगों को लेकर के, गरीबों को लेकर के ऐसी कोई योजना जो आप करना चाहें? हमारे पास ये जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवाएं, इन सब की पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे, और जो गरीब हैं, पात्र हैं, उनको सबको आवास दिलवाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही हो। आप शिक्षक हैं, शिक्षण कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही या कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि आप उस कार्य को छोड़ करके यहाँ प्रधानी के लिए मैदान में हैं? हमारे यहाँ वर्षों से बहुत आगे से प्रधान होते आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, खरंजा भी नहीं सही बन रहा है, पानी की निकासी नहीं है, जल नहीं, और पढ़ाई के लिए बच्चों के कोई वो नहीं है टाइम टेबल, टीचर आते हैं चले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि समाज सेवा के लिए अपना जो शिक्षा कार्य छोड़ कर समाज सेवा में उतर आए। रोशनी देवी को ना छोड़ा चाह रहे तुम्हें? अब अलग अलग है, मैं दो दिन आता हूँ। क्या खड़ा हो दूसरे नंबर पे? जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।